एनपीएस कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पूरे प्रदेश में एनपीएस कर्मचारी जिला स्तर पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में 24 जुलाई को शिमला के रामपुर में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एनपीएस कर्मचारी महासंघ जिला शिमला अध्यक्ष कुशाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पर जून तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि ओपीएस राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। कर्मचारी 2015 से ओल्ड पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारी मुख्यमंत्री से मिले, कमेटी भी बनाएगी, वो क्या कर रही है इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारें कॉरपोरेट के दबाव में काम कर रही है, कर्मचारियों में निराशा है और पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रैलियाँ की जा रही है। 24 जुलाई को शिमला के रामपुर में रैली होगी। अगर सरकार मानसून सत्र से पहले उनकी मांग नहीं मानती है तो सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव कर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अध्यक्ष एनपीएस कर्मचारी महासंघ जिला शिमला, ये जो हमारा ओपीएस का चल रहा है ये एक प्रदेश व्यापी मुद्दा है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और हमने बार बार आग्रह किया। हम 2015 से प्रयासरत है लगातार जो है इस पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के। हमने जब पीछे आज जो विपक्ष में बैठे हैं उस वक्त उनकी सरकार थी, 25 जुलाई 2017 को भी हमारा आंदोलन चला और उस वक्त भी हमने इस बात को कहा था कि ओपीएस को बहाल किया जाए। उस वक्त डीसीआर जी आंशिक तौर से जरूर बहाल हुई, जिसके लिए हमने उस वक्त धन्यवाद किया पूर्व सरकार का। वर्तमान में आरडी श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार है, हमारा मुद्दा वैसा ही चल रहा है और भविष्य में किसी की भी सरकार बनती है ये मुद्दा यूं ही चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है। और इसमें अभी हमारे जगह जगह आंदोलन हुए, हमारा अभी रिसेंटली जो हुआ दाड़ी मैदान में हुआ और यहाँ पे 3 मार्च को यहाँ शिमला में भी हुआ। हमें उम्मीद थी कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो कर्मचारी देशी माने जाते हैं वो अवश्य जो है पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जो है इस तरह से अभी कमेटी बनी थी इस संदर्भ को लेकर के, कमेटी का भी कोई जो है आगे कुछ आया नहीं उनका परिणाम। और जो है हमें उम्मीद है जयराम ठाकुर जी जिस तरह से काम शायद कर्मचारियों की भावनाओं को समझेंगे, हम तबके से उठे आदमी हैं, हमें विश्वास है कि वो जो है मानसून सत्र से पहले जो है पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। अगर बहाल नहीं करते हैं तो अभी हमारा होमवर्क चल रहा है, हमारा हर जिलों में रैलियां चल रही है, किन्नौर से शुरू हुई, हजारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, चंबा से लेकर के पिछले कल हमारी मंडी थी जिसमें बड़ा हजूम उमड़ा था, आज हमारा ऊना में भी रैली चल रही है, 17 तारीख को कुल्लू में है, 24 जुलाई को जिला शिमला की जो राज्य डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो रैली है रामपुर बुशहर में होने जा रही है। तो ये जो है चल रही है, अगर नहीं होता है, अगर होता है तो हम प्रदेश सरकार के थैंक्स के लिए जो है आगे मानसून सत्र में जाएंगे, अगर नहीं होता है तो आंदोलन के रूप में हमारे को दरवाजे सरकार के दहलीज तक पहुंचना पड़ेगा और हमें पूर्ण विश्वास है उस तक उससे पहले जो है सरकार कुछ ना कुछ जो है इस पर फैसला लेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी प्रेस बंधुओं का